नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय बोरवेल ब्लॉग 0.2 चैनल में आपका स्वागत है। और मैं एक वीडियो आज और लेके आया हूँ, और ये वीडियो मेरे गांव का है जो कि आउट एरिया में काम लगाया हुआ हूँ। देख सकते हैं आप कितने ढेर सारा जंगल है, ये यहाँ पे न्यू प्लाटिंग है और इसी में अब मकान बनना शुरू हो गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे वर्क हो रहा है। मेरे पूरे वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको वीडियो में ज़रूर इंटरेस्ट होगा और अच्छा भी लगेगा और लाइक भी करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मीडियम बने रहिए। अब इसको पैप एक एक पूरा बाहर निकाल लिए हैं, अब लास्ट पैप बचा है, ये बाहर निकल रहा है और हम इसको सेंटर में निकाल लेंगे। ये देखिए पैप कैसे निकाला जाता है। अब देखिए इसको और हाई स्पीड निकाल लिए, देखिए निकल गया ना और हाई स्पीड से। ये मेन कटर है जो आगे पूरा बोर काट के जाता है। ये 10.5 इंची का है और जो कि 220 फीट बोर हुआ है और 210 फीट प्लास्टिक डलेगी। ये एक छोटा बोर है, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो। ये देखिए अब हम लोग रस्सी में इसको फंदा लगा लिए हैं ताकि जो है मजबूत से लगा लें फंदा और कहीं पे रुके ना पाइप जल्दी से। ये आप ध्यान रखिए, पाइप देखते रहिए आप, कहीं पाइप ना रुकें। एक एक पाइप इसी तरीके जो खूंटा गांठ इसको लगा के हम उतार देंगे। अब चूड़ी में ग्रीस भी लगाएंगे हम, आप ध्यान से देखिए वीडियो का। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है, आप ध्यान से देखिए। हमें इसको पाइप कस लेना चाहिए और सही इसका सही से सही सीधा 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 सीधा, हाँ सीधा कसो। अरे यार हल्के हाथ से चलाओ, क्या करो, हाँ सीधा सीधा और सीधा और सीधा और सीधा, हाँ पकड़ ले सीधा और नीचे से। ठीक, इसी तरीके हमें एक एक पाइप इसको जोड़ लेना चाहिए। सबसे पहले फिल्टर जा रही है जो कि हमारे फिल्टर 40 फीट फिल्टर है। ये देखिए ये लगता है ऊपर से नहीं उतार पाएगा है, ये इसका ये थोड़ा दूसरे तरीके से उतारना पड़ेगा। इसको देख रहे हैं आप, देखिए लिया यार, जल्दी पाइप लाओ, हाँ हाँ इसको उठाओ पकड़ो। जो भी यार वीडियो देख रहे हो जल्दी से लाइक कर दो यार। ऐसे भी ऐसे नहीं हो पाया है। ठीक है, चूड़ी भी साफ कर लेना चाहिए और उतर भी जा पाएगा पाइप, एक नीचे से कसना चाहिए। लाओ लाओ जल्दी पाइप लाओ, जल्दी लाओ लाओ, सही से मजबूत से पकड़ के उतारना, छटे ना। देखिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए क्या होता है इस वीडियो में। सीधा कसना, सीधा आसानी, चूड़ी से चढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी, ये चीज़ जान लीजिए। अगर पाइप आप चूड़ी फिनिश है, ग्रीस लगा लिए, थोड़ा सा लिक्विड हो तो लिक्विड आप लगा सकते हैं, नहीं तो इससे भी चूड़ी चढ़ जाएगी। शैम्पू, शैम्पू आता है शैम्पू को भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए पकड़ के मजबूत उतारना, लाओ एक एक पाइप लाओ जल्दी जल्दी। ओहो भाई बड़ा मज़ा पा रहा है यार, क्या बात है। ले आओ ले आओ ले आओ जल्दी लाओ। ऐसे पाइप एक 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 पाइप ऐसे लाते रहिएगा आप, देखिएगा। और मजबूत से पकड़ के, लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब लगता है पकड़ाना पड़ेगा।
ऊपर चढ़ के पकड़ना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर भी चढ़ गया लड़का, ऊपर चढ़ गया, पकड़ भी लेगा पाइप, आराम से आसानी से उतर जाएगा, पाइप ले आ लेगा अपने से। ओए तू जा अपने से पाइप लेने जा, ला जल्दी ला ला ला। यार कितना जंगल है, देख रहे हो कितनी अंधेरी रात है, इतने जंगल में यार डर भी नहीं लगता है। और हम लोग यार डर क्या है कि लगेगा, हम लोग रात पूरा रात काम करते हैं, इसके काम मशीन जो है 2 दिन चली थी और सारा दिन दोपहर में धूप इतना तगड़ी रहती है कि 44 डिग्री टेम्परेचर जाता है कि आप धूप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कोई भी पूछताछ करना आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। सब इसी तरह के पाइप उतरेगा क्योंकि हम लोग नाइट में काम करते हैं। ये देखिए भाड़ी दिखा रहा भाई, देखो 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 देखो, वो ध्यान से देखना यार। मैं जो है इस तरह का एक वीडियो जल्दी से मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, जबकि मेरा वीडियो ढेर सारी हो जाती है तभी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। अब हमें एक एक पाइप आसानी से कहीं भी रुकना चाहिए, पाइप कहीं भी ना रुके, कहीं भी ना रुके पाइप, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उतर जाएगा एक एक पाइप आसानी से उतर जाएगा। आप पाइप धीरे धीरे, 21 पाइप लियर के हिसाब से हम बालू जैसे जैसे मिली थी कुछ 40 फुट 50 फुट बालू। ये देखिए हमारा लास्ट पाइप था, उतर भी गया, अभी देखिए इसका चप्पल भी दब गया। ये देखो देखो पाइप की क्वालिटी भी आपको दिख रही है, कोई लोकल पाइप थोड़ी है, ये सुप्रीम क्लासिक का पाइप है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, कर दो यार एक सब्सक्राइब, करने में क्या आपका जाता है। वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए गाड़ी भी लगा रहे हैं अब इसके बाद हम पाइप डलने के बाद क्या होता है, आप देखिए गाड़ी भी लगा के इसमें गिट्टी लदी है, गिट्टी लोड है। बस यहीं तक यहीं तक ना चलो भाई खोलो गेट खोल लो भाई, हाँ इसका वो खोलो डाला खोल लो, लाख 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 प्लेट हो। ये देखिए छोटी बोरिंग में जीरा गिट्टी आराम से डाल सकते हैं, ये 50 फीट जीरा गिट्टी है, जबकि ये गिट्टी पूरा 50 फीट बोर में पूरा जाएगी। और मेरे पास केवल हाफ ही वीडियो है, पूरी वीडियो तो है नहीं है। ये देखिए गिट्टी किस तरीके से है, गिट्टी क्योंकि पानी नहीं पड़ता, और अब देखिए गिट्टी पड़ रही, डायरेक्ट भी पड़ रही है। अभी देखिए बोर वाश करेगा, अगर वाश नहीं करेगा तो बोर कभी सक्सेस नहीं होगा, बालू हमेशा आता रहेगा। अगर वो वाश कर दिया ऐसे हो गया तो गिट्टी समझ लो गई है, पूरी गई है गिट्टी, और वाश भी होना चाहिए। और गिट्टी ज़्यादा दूर से ही डालना चाहिए ताकि एक बैग गिट्टी जो लोग डालते हैं वो पाइप जाम हो जाता है, गिट्टी जा भी नहीं पाती है पूरी। ये देखिए रख दो यार इंटर, रख दो गियर बॉक्स में पानी ना जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 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 कैसे पानी निकल रहा है, शिवलिंग बन गए हैं, भोले शंकर बाबा आ गए हैं, काशी वाले हैं। देखिए देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, देख रहे हो ना पानी कितना पास हो रहा है। इसी तरीके पूरी गिट्टी चली जाएगी, अब खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो और खींचो। हमें गाड़ी से नीचे उतर के भी खींच लेना चाहिए। ये देखिए इसी तरीके पूरी गिट्टी डाल देंगे, अब हम गिट्टी कम हो तो और भी मंगवाए डालवा सकते हैं, क्योंकि 50 फीट मेरे हिसाब से गिट्टी पड़ती है, ये सही है। देखिए धन्यवाद, आपको वीडियो अच्छा